जय हिंद। आइए हम जो है अभी पॉलिटिकल साइंस PSIR और इंटरनेशनल रिलेशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ 1984 में प्रश्न पूछे गए हैं, इसे जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये देखो पेपर वन सेक्शन वन 1D क्वेश्चन है, इसमें हमें कमेंट करना है और यह हेजल का स्टेटमेंट, इतना याद रखना। ठीक है, और जब हेजल का कोई कथन है और कई एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर का कथन दिया रहता है और अंत में बोल दिया जाता है कि आप इस कथन का विश्लेषण करें या इस कथन का मूल्यांकन करें या इस कथन के ऊपर कमेंट करें या फिर आप इन कथन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो वही है। ठीक है, पेपर वन सेक्शन ए, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू डिफाइन फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज अ फ्रीडम टू से एंड राइट व्हाट यू वी प्लीज इज पैरेलल टू द असर्शन दैट फ्रीडम एज सच मींस फ्रीडम टू डू एज वी प्लीज। कहने का मतलब है, देखो ये स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न है। लिबर्टी को जब हम लोग पढ़ते हैं, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से जब हम रूबरू होते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हेजल का यह जो कथन है कि यहाँ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जा रहा है, जैसे होता है ना समाचार पत्र वगैरह प्रेस मूल्यता, उसी को कहा जाता है। आप लोग देखते हो गए प्रेस रिपोर्टर वगैरह होते हैं, और प्रेस का मुख्यतः यहाँ प्रेस से संबंधित सिर्फ रिपोर्टर, आजकल तो हर एक व्यक्ति एक रिपोर्टर है, जिसके पास मोबाइल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, सब लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है जिस भी परिप्रेक्ष्य में करे। तो मतलब अपनी बातों को रखने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, किसी भी माध्यमों के माध्यम से प्रयोग करके जो है हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और यही जो है स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, टू डिफाइन फ्रीडम, अगर हम जो है स्वतंत्रता की व्याख्या करें ऑफ द प्रेस एज अ फ्रीडम, जैसे कि प्रेस रिपोर्टर वगैरह होता है ना, संपादक वगैरह, उनको अगर हम ऐसे फ्रीडम के तौर पर देखें, टू से एंड राइट, जो वो कुछ कहते हैं या फिर जो वो कुछ लिखते हैं, व्हाट एवर वी प्लीज, और हमें जो भी चीज़ अच्छा लगता है उसको हम कहते हैं, लिखते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से रखते हैं। ठीक है, इस पैरेलल टू द असर्शन दैट फ्रीडम एज सच मींस फ्रीडम टू डू एज वी प्लीज, और यही जो है समानांतर है, किसके समानांतर है, assertion मतलब होता है दबाव देना, बल देना, या बल देता है कि वह जो हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है, as such means freedom as to do as we please, वह बोलने और लिखने की जो यहाँ स्वतंत्रता कही जा रही है वह ठीक उसी के समान है, उसी के पैरेलल है, जैसा कि हमें देखते हैं कि फ्रीडम को हम जो है as such means freedom as to do, जो हमें करने की आज़ादी है, हमें कुछ भी चीज़ों को करने की जो है स्वतंत्रता है। ठीक है, वही बातें यहाँ कही जा रही है कि द फ्रीडम एज सच मीन्स फ्रीडम टू डू एज वी प्लीज। इज दैट क्लियर? ये देखो, एक है फ्रीडम को फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत जो है किसी भी चीज को लिखकर या बोलकर उसकी अभिव्यक्ति करना, से एंड राइट, और उसी के समानांतर में है किसी भी स्वतंत्रता को मनाना, वह है अपने क्रियाओं के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? तो ये हेजल के द्वारा कहा गया कथन है, और इस कथन के माध्यम से हमें इस कथनों के ऊपर कमेंट करना है, और ख़ास करके स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित ये पूरा का पूरा प्रश्न है। तो आप इन कथन से क्या समझते हैं कि किस प्रकार एक प्रेस की जो आज़ादी होती है लिखने और बोलने की, क्या उसी के समानांतर हमें कुछ भी अपने एक्शन को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, या जो भी हम एक्शन लेते हैं कि वह पूरी तरह बोलने और लिखने के पैरेलल ही हैं, समानांतर ही हैं? तो इस पर जो है हमें कई बार मूल्यांकन करना होगा। देखो, कई बार देखोगे कि पत्रिकाओं के माध्यम से, अंग्रेज वगैरह के जब समय था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लाया गया था, कि कई लोग जो है अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से जो है बोलकर वायलेंस को इग्नीट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, कई लोग जो है बोलकर, कई लोग जो है लिखकर, कई लोग एक्शन के माध्यम से वायलेंट हो सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को कैसे पैरेलल देखें, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप अपने प्रस्पेक्टिव से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। क्या ये पैरेलल है, बोलना, कहना और करना, क्या तीनों समानांतर हैं या नहीं? अगर नहीं तो कैसे, अगर हाँ तो कैसे? इन प्रश्नों को आप हेजल को आप एक बार पढ़ें, हेजल को, और उसके बाद जो है आप इस कथन को अच्छे से, इसका 2-4 बार और रीड करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, फिर इस प्रश्नों का उत्तर दें। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गया होंगे। जय हिंद।